मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग फार्माकोग्नोसी में नया चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है फाइबर्स। ठीक है, अब फाइबर का मतलब क्या होता है? फाइबर मतलब आप सिंपल समझो कि कोई भी कपड़ा। आप कपड़ा कैसे बना होता है? बहुत सारे धागे से बना होता है हमारा कपड़ा, जो भी फाइबर है। ठीक है, तो ये जो धागे है इनके बारे में, इनका सोर्स क्या है उसके अकॉर्डिंगली हमको उसकी डेफिनेशन और उसका यूज क्या है उसके अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन और डिफरेंस बिटवीन आज पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में ही। फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। फाइबर हमको नेचुरली भी मिलते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल सोर्स हो गया, उससे हमको नेचुरली मिलते हैं और आर्टिफिशियली प्रिपेयर भी किया जा सकता है उसको। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अब एग्जाम्पल और जो है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहले देख लेते यूजेज ऑफ फाइबर। यूजेज ऑफ फाइबर में सबसे पहला यूज है फॉर प्रिपेयरिंग सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में बता देती हूँ। पहले सर्जिकल ड्रेसिंग मतलब कि जो इंजरी या चोट या कहीं पर भी कुछ भी आपको इंजरी हो गई है और उसको कवर अप करना है, उसको ठीक करना है, उसको हील करना है, तो वहां पर आप सर्जिकल ड्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। पट्टी बांधते हैं ना, वही सर्जिकल ड्रेसिंग। एग्जाम्पल है एब्जॉर्बेंट कॉटन का बना होता है। ठीक है, नाउ फॉर एब्जॉर्बिंग ब्लड पस, उसका काम क्या है, जो भी ब्लड एक्सेस में वहां पे निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, वो सब रिमूव करने का काम इसका है एब्जॉर्बेंट कॉटन का। नाउ थर्ड है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोप्स। रोप्स मतलब बहुत बड़े बड़े जो रस्सियां होती है उसको बनाने के लिए भी एब्जॉर्बेंट कॉटन या नेचर से मिलने वाले फाइबर का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है जूट। और फोर्थ नंबर पे है फॉर फिल्ट्रेशन पर्पस। कई सारे सील्स या छन्नी हम बनाते हैं एक फाइबर से, एग्जाम्पल है इसका वूल। नाउ अब इसका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर देख लेते हैं। चार मेन टाइप्स के फाइबर है। पहला है नेचुरल फाइबर, सेकंड है आर्टिफिशियल फाइबर, और तीसरा है सिंथेटिक फाइबर, और चौथा है मिनरल फाइबर। नेचुरल फाइबर मतलब नाम से ही समझना है कि नेचर से मिलने वाला, या तो प्लांट फाइबर मिलता है या तो एनिमल फाइबर मिलता है। प्लांट का एग्जाम्पल है कॉटन और जूट, और एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल है वूल, जो हमको शीप रहती है ना, शीप की जो हेयर्स रहते हैं उसमें से वूल मिलता है। और सिल्क आपको पता ही है, जो एक इंसेक्ट होता है वो कोकून बनाता है मलबेरी लीव्स को खाकर, और उसके ऊपर कोकून जो रहता है उसमें से फिर सिल्क का फाइबर बनता है। ठीक है, सिल्क की साड़ी, सिल्क का कट मटेरियल आपको पता ही है, सुना ही होगा आपने। आर्टिफिशियल फाइबर में रीजनरेटेड फाइबर ऐसी क्लास है। ठीक है, अभी रीजनरेटेड फाइबर मतलब क्या है? रीजनरेटेड मतलब नेचुरल सोर्स से मिलने वाले फाइबर्स को ही थोड़ा सा चेंजेस करके हम जब उसको रीजनरेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं रीजनरेटेड फाइबर। इसके दो टाइप्स है, एक तो कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से रीजनरेट किया हुआ फाइबर, इसके एग्जाम्पल है अल्जिनेट रेयॉन। आपने रेयॉन कॉटन या रेयॉन मटेरियल सुना होगा, और रीजनरेटेड सेलुलोज भी अवेलेबल है। इसके साथ ही यहाँ पर प्रोटीन मटेरियल से भी रीजनरेट हम कर सकते हैं, जैसे फाइब्रोइन और केसिन फ्रॉम मिल्क। ये एनिमल से मिलने वाले हमारे सोर्स के प्रोटीन है, जिसको हम रीजनरेट करके यूज कर सकते हैं। और सिंथेटिक फाइबर मतलब टोटली सिंथेसाइज कराया जाता है इंडस्ट्री में, उसको कारखानों में बनाया जाता है, मैनमेड नहीं, वो मैनमेड है, नेचर से नहीं मिलता हमको। जैसे नायलॉन और टेरिकॉट, आपने टेरिकॉट टेरिलीन ऐसा सुना होगा। ठीक है, तो ये होगा सिंथेटिक फाइबर। और मिनरल फाइबर में याद रखेंगे हम लोग ग्लास और एस्बेस्टोस की जो शीट्स होती है, एक्रेलिक शीट्स आपने सुना होगा, इट इज अनदर क्लास ऑफ फाइबर। ठीक है, जो मिनरल ओरिजिन से हमको मिलती है। नाउ अब हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। ये जो डिफरेंस बिटवीन है ना, आप इसको सिल्क फाइबर और कॉटन फाइबर या एब्जॉर्बेंट कॉटन के बीच में डिफरेंस बिटवीन पूछा तो भी आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में फोकस करते हुए आगे का डिफरेंस हम पढ़ते हैं। अगर हम प्लांट फाइबर की बात कर रहे हैं तो जूट और कॉटन उसके बेस्ट एग्जाम्पल है, और एनिमल फाइबर की बात कर रहे हैं तो सिल्क और वूल उसके बेस्ट एग्जाम्पल है। अब इसको ध्यान में रख लिया, आगे के डिफरेंस पढ़ते जाएंगे। जैसे सोर्स बोला तो प्लांट फाइबर है तो सोर्स क्या रहेगा, प्लांट से मिलने वाले, और एनिमल फाइबर मतलब किससे मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। अब जब हम प्लांट फाइबर को, जो कि प्लांट फाइबर जो है ना, उसमें से जो भी फाइबर मिलेगा, आपको एक चीज याद रखना है कि वो कार्बोहाइड्रेट जैसे नेचर की रहेगी, और एनिमल सोर्स से मिलने वाले फाइबर जो रहेंगे वो प्रोटीन जैसे नेचर के रहेंगे। ठीक है, इतना समझ लिया, आगे का समझना आसान है। मॉलिस रिएजेंट है, जब कभी भी कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वॉयलेट कलर मिलता है, जो कि ये प्रोटीन है तो ये नो वॉयलेट कलरेशन, कोई कलरेशन नहीं देगा।
सिमिलरली अगला रिएजेंट है पिक्रिक एसिड. पिक्रिक एसिड नो येलोइश स्टेन, आपके कॉटन के ऊपर कोई येलोइश स्टेन नहीं देता है, वही परमानेंट येलो स्टेन कर देता है एनिमल फाइबर के ऊपर. नाउ मिरन्स रिएजेंट की बात हो रही है. मिरन्स रिएजेंट प्रोटीन को डिटेक्ट करने वाला रिएजेंट है, जैसे कि पिक्रिक एसिड था. नो रेड स्टेन, जब भी मिरन्स रिएजेंट और कॉटन रिएक्ट करेंगे तो कोई रेड स्टेन नहीं आएगा, वही अगर आप इसको एनिमल फाइबर को ट्रीट करोगे तो रेड स्टेन आ जाएगा. नाउ अगर इसको हम हीट करते हैं, कॉटन को आपने हीट किया या जलाया, तो कोई भी फाउल ओडर, ऐसे खराब वाली ओडर नहीं आती है. बट अगर आपने रेशम या सिल्क जिसको जो इसको आपने बर्न किया तो बहुत ही खराब वाली ओडर आती है, फाउल ओडर आती है. जैसे कि आपने अपना हेयर एक कट यहाँ से तोड़ा और उसको जलाया तो बहुत गंदा स्मेल आता है. क्यों? क्योंकि इसमें रहते हैं सिस्टीन नाम का अमीनो एसिड, जो इग्निशन की वजह से, जो बर्न होने की वजह से आपको बहुत गंदी वाली स्मेल देता है. क्योंकि किसके सोर्स से है? एनिमल, हम भी एनिमल ही है ना, ठीक है ना. तो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है जूट और कॉटन और यहाँ पे सिल्क और वूल. उसी तरीके से सिल्क और वूल को भी इग्निशन करेंगे तो वैसे ही फाउल ओडर आएगी. तो आज हम लोगों ने क्या देख लिया? हमने देखा फाइबर, उसकी डेफिनेशन, यूजेस, क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंस बिटवीन. थैंक यू.